हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टेक। दोस्तों, यदि आप UPSC स्टाफ नर्स एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों लगातार स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती रहती हैं कि बताइए कब इसका रिजल्ट आएगा, कट ऑफ कितना रहेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में साझा किया जाएगा। वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, यदि आप नए हैं चैनल पे, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मात्र एक सेकंड का समय लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में, उसके बाद आप हमसे जुड़ेंगे। फिर कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यदि आप कट ऑफ से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो आपको जाना है हमारे वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे जाएंगे तो आप हमारे वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस एग्जामिनेशन में कितना कट ऑफ जाने वाला है। पूरे यहाँ पे प्रमाण के साथ, यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स के राय के आधार पे यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया गया है, तो इसको जाके आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आखिर एग्जामिनेशन में कट ऑफ कितने के लगभग रहने वाली है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट के संबंध में मैंने पहले बताया था कि दिसंबर के लास्ट वीक में इसका रिजल्ट आएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आज 26 तारीख हो गया है और अभी तक रिजल्ट देखने को मिला नहीं है। अब स्टूडेंट्स की ये डाउट आ रहे हैं कि सर, आपने तो कहा था कि दिसंबर के लास्ट वीक में रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया? क्या कारण है कि रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया UPSC के द्वारा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कई सारे ऐसे अभी चल रहे हैं। अभी आप अगर जो UPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर 24 तारीख से 31 तारीख के मध्य यहाँ पर 2017-18 बैच के मैकेनिकल इत्यादि वाले लोगों का यहाँ पे उनका इंटरव्यू के लिए प्रमाण पत्र इत्यादि जारी किया जा रहा है। प्लस यहाँ पे यूनानी के लिए भी यहाँ पे इंटरव्यू के लिए भी वहाँ पे प्रमाण पत्र इत्यादि जारी किया जा रहा है, प्रवेश पत्र जारी किया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन यहाँ तक बात है कि UPSC स्टाफ नर्स के बारे में, तो दोस्तों एक दो दिन और वेट करिए। यदि नहीं आता है तो निश्चित तौर से आपका जो रिजल्ट है वह जनवरी में ही आएगा। मैंने पहले भी बताया था कि दिसंबर के लास्ट वीक या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है, तो यहाँ पे कुछ दिन और आपको देखना है। ठीक है, जब भी आता है तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ पे यदि 2017 की बात करेंगे कि 2017 में कितना कटाफ गया था, 2017 के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था UPSC का, वहाँ पे जो अनारक्षित वर्ग के लिए कटाफ गया था 40, पिछड़ी वर्ग के लिए भी 40 गया था, अनुसूचित के लिए यहाँ पे गया था इतना, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए गया था यहाँ पे 30.24। जबकि यहाँ पे यदि आप शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए बात करेंगे तो वहाँ पर 40.42 गया था, पिछड़ी के लिए 40.4440, यहाँ पे अनुसूचित के लिए 30.29 और यहाँ पे अनुसूचित के लिए 33.39 गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से गया था, लेकिन बहुत सारे पद खाली भी रह गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं पूरे पद भरे नहीं जा चुके थे, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया था उसको ही बहुत लोग पास नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो निश्चित तौर से आपको कट ऑफ के बारे में जानकारी हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप जाके उसे देख सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई जानकारी निकल के सामने आती है, तब तक के लिए जय जय भारत।